फिल्म बनती रहे और सब लोग को छोटे बड़े सभी को काम मिलता रहे और फिल्म को प्रमोशन मिलता रहे और हर एक आदमी को सपोर्ट और भगवान मदद करे और उनकी फिल्म सुपर हिट हो। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मैं बहुत ही आज गर्व फील कर रहा हूँ कि मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं और मैं एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूं। ये इसमें हमारी कोई बहुत बड़ी योगदान नहीं है कि आप जैसे लोगों का आशीर्वाद है और बड़े बड़े जो आज यहां पर कलाकार आए हुए हैं मिथिलेश सर और हमारे दिलीप सेन जी और सुनील पाल सर और रमेश गोयल जी, ये सारे लोग जो आज आए हुए हमारे जफर भाई छोटू लोहार जी, इन लोगों का बहुत ही बड़ा योगदान हमारे ऊपर है, आशीर्वाद है, पीछे से बैक सपोर्ट है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूं। और मैं दुआ करता हूं इसी तरह से कि आप लोग सपोर्ट करें। तो मैं एक सब है बिग बॉस और मैं हूं बिग बॉस और आज मैं बिग बॉस की बात नहीं करूंगा, अब वो तो खैर अप्रैल में आ रही है। आज बड़ा अच्छा लग रहा है, द लास्ट वोट, ये टाइटल बहुत इम्पोर्टेंट टाइटल है हमारे फिल्म के लिए और हमारे हिंदुस्तान के लिए। द लास्ट वोट यही डिसाइड करता है कि कौन हमारे देश का भविष्य बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन सीएम बनेगा। तो मुझे लगता है कि ये फिल्म ये टाइटल से सजेस्ट करती है कि हर किसी को देखना चाहिए, जैसे हर किसी को वोट करना चाहिए वैसे हर किसी को ये फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त एक्टर है और हमारी वीक बॉस फिल्म हिट हो जाएगी तो ये वीक मैं उनको गिफ्ट करूंगा, ठीक है। कशिश के लिए क्या करूँ, नाम ही कशिश है और गुलाबी दुपट्टा है, सबसे मोदी जी की 2000 की नोट ओढ़ कर आई है। दिलीप जी के लिए क्या कहूँ, दिलीप जी, दिलीप सेन, समीर सेन, आज भी इनके गानों का रिमेक किया जाता है। अभी हाल ही में लुका छुपी फिल्म आई है, ये खबर छपवा दो अखबार। मैं चाहूंगा आप का स्वागत कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि गाने तो जब मैं चाहूंगा कि अगली बार जब हम मिले तो इसी फिल्म के गानों से मैं खुद बोलूंगा। कौन सी भाई, कौन सी कौन सी गाने की लाइन आप? जाहिर सी बात है कि भाई ये खबर इतनी प्यारी खबर है कि मेरा लाडला चहिता म्यूजिक डायरेक्टर कम टू डायरेक्टर बन रहा है, तो ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में, निश्चित तिवारी बना है डायरेक्टर जी, ये खबर छपवा दो अखबार में। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। सब फिल्म का मैं हिस्सा हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है कि एक छोटी फिल्म को बड़ी कैसे बनाई जाए, उसके लिए मैं प्रमोशन के लिए हर टाइम रेडी रहता हूँ। और कल्याण जी भाई मेरे बहुत जूने पहचान है मुझे और बहुत अच्छे इंसान है और वो ट्राई करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो भगवान को शुभकामना देता हूँ कि उनकी फिल्म हिट हो और डायरेक्टर प्रोड्यूसर जी को भी ये फिल्म से अच्छा धंधा हो। ये मेरा और से ब्राइट फ्यूचर और सभी सुपरस्टार की पहली फिल्म मैंने ऐसे लोअर लेवल से स्टार्ट किया, तो इनका भी फ्यूचर ब्राइट हो। श्योर श्योर, मैं जो भी बेचारे स्ट्रगलर और हार्ड वर्किंग और जो ऑनेस्ट लोग काम करते हैं मेहनत करते हैं उनको ट्राई करता हूँ मैक्सिमम सपोर्ट करने की। और कोई कोई फिल्म है तो मैं अभी जैसे ये फिल्म है इसमें तो मैं पेमेंट भी नहीं लेगा, दोस्ती भी इनका काम करके देगा ताकि ये फ्यूचर में बड़ा बन के मुझे याद रखे। बस मैं ये बहुत थैंक यू सो मच योगेश सर, और एज अ डायरेक्टर मैं इस मूवी में हूँ और प्रोड्यूसर समीर जी हैं, और ये बस सर का सपोर्ट चाहिए हमें और अच्छा लगा सर आए हमारे बीच, थैंक यू सर। आप मैं तो यही कहूँगा, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि ऐसी ऐसी योगेश सर जैसी हस्तियाँ अगर हमारे साथ जुड़ रही हैं तो डेफिनेटली इस फिल्म को बहुत आगे तक लेके जाऊँगा और आप मीडिया बंधु को भी बहुत अहम भूमिका है आगे ले जाने में हम जैसे लोगों को, तो सपोर्ट चाहिए आप जैसे लोगों का, एक अच्छे लेवल का काम करने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे जो उभरते हुए टैलेंटेड कलाकार हैं जो कुछ लोग अभी बैठे भी हुए हैं तो हम जैसे लोगों को आगे आकर उनको भी चांस देना चाहिए जी। तो इस तरह से सारे लोगों को चांस देके हम लोग बड़ा एक मुकाम हासिल करेंगे, अपने देश का नाम है। ये पिक्चर का टाइटल तो लास्ट वोट है, तो अभी माहौल भी अच्छा है इलेक्शन का, अभी दो चार दिन में घोषणा भी होने वाली डेट की जी। और इलेक्शन के डेट के अभी रिसेंटली दो चार पाँच दिन में घोषणा होने वाली है, अप्रैल महीने में शायद महाराष्ट्र में धक्के नहीं लेकिन श्योर भी थोड़े दिन में क्लियर हो जाएगा पिक्चर। थैंक यू सो मच।
कि भैया ये लास्ट वोट कितना कीमती होता है, और हम भारतीयों को हमेशा से ही वोट के नाम पे धोखा दिया गया है, वोट के नाम पर राजनीति की गई है। तो अब ये आने वाले इलेक्शन के लिए भी ये फिल्म एक सपोर्ट करेगी, प्रचार करेगी जनता की तरफ से कि लास्ट वोट कितना कीमती है, और ये फिल्म उसी को शायद उजागर करेगी। फिल्म टाइटल से सजेस्ट करती है कि राजनीति पे आधारित होगी, और राजनीति पे हल्के फुल्के कमेंट्स होंगे, और ये फिल्म जैसे कि राजनीति का सब्जेक्ट आजकल हर किसी को पसंद आता है, तो जनता को भी बहुत पसंद आएगा, लेकिन जनता के मत का, जनता के विचारों का ध्यान रखते हुए फिल्म को बनाया गया, सोचा गया, जिसका नाम है द लास्ट वोट। मैं कोबरा को से फंसा हुआ हूँ, तो कोई भी कोबरा मुझे काट ना दे, इसलिए मैंने अपने खास बॉडी गार्ड रखे हैं जो मेरे बॉडी को गार्ड करेंगे। ऐसा लगता है जैसे ये महागठबंधन हुआ है। महागठबंधन को किस तरह से सुनेंगे? महागठबंधन में जितने आपस में जो लोग हैं सब यही बोल रहे हैं, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। बोले कब? जब मोदी जाएगा। और मोदी वहाँ कह रहे हैं तो नंगा ही तो आया है कि घंटा लेके जाएगा, ना मोदी जाएगा ना तेरा टाइम आएगा। तो आपके हिसाब से 2019 में किसका टाइम आएगा, राहुल जी का या मोदी जी? मैं राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, लेकिन जो सही और सच्चा नेता हो वही आ जाए। हालांकि सच्चे नेता को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो जनता का भला, जो जनता जिसमें अपना भविष्य देखती हो, इसलिए तो कहता हूँ द लास्ट वोट कीमती वोट है। आपका वोट जो है एक वोट, उसे ही द लास्ट वोट समझिए, और समझ के समझ बूझ कर दीजिए। किसी पार्टी का, किसी धर्म का, किसी रिश्तेदार का, किसी उसके इमोशन में मत जाइए। देश सबसे पहले है, देश सबसे ऊपर है। जाइए। समीर भाई गिव मी नरेशन फॉर द लास्ट वर्ड, इट्स रियली एक्साइट मी, क्योंकि सिर्फ इंडिया में नहीं, पॉलिटिकल एंड पॉलिटिशियन दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड, एंड दैट्स व्हाई आई वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट हाउ दे मेकिंग दिस फिल्म एंड हाउ दिस गोइंग टू बी पिक्चराइजिंग इन इंडिया, एंड दे ट्राई टू फिल्म आउट ऑफ इंडिया एज वेल, सो आई एम सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म। बहुत अच्छा है। और एक फिल्म बनी थी लोफर, अनिल कपूर जूही चावला, उसमें ये मेरा डायलॉग था, अरे एक वोट से क्या फर्क पड़ता है, जाओ दो जाके वोट। ये उस फिल्म का मेन डायलॉग था, वो मैंने बोला था। तो आज मुझे उसी फिल्म में मैं खो गया हूँ। फिल्म का नाम है लोफर, अनिल कपूर जूही चावला, आप देख सकते हैं। तो ये लास्ट वोट जो है बहुत अच्छा टाइटल है, और मेरे हिसाब से ये टाइटल मैंने कभी सुना भी नहीं है। अक्सर टाइटल चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन ये टाइटल ऐसा है जो एकदम नया है। और प्रोड्यूसर समीर सेन सर और डायरेक्टर नितेश तिवारी, इन दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने एक फिल्म स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम सब लोगों को काम मिलेगा, हम काम करेंगे, काफ़ी लोग जुड़ेंगे, इंडस्ट्री का भला होगा, जितने नए प्रोड्यूसर आएंगे उतना ही हमारे लिए फायदेमंद है। तो ऑल द बेस्ट इन द लास्ट, ऑल द बेस्ट। सुनील पाल जी मेरे बड़े प्रोड्यूसर हैं, इन्होंने मुझे काम दिया है बिग बॉस, बिग बॉस नहीं विग बॉस, जो अप्रैल में आज विग पहन कर आए हैं वो। सो मिथिलेश जी अगर फिल्म हिट हो जाएगी तो ये विग आपको गिफ्ट कर दूंगा। मैंने शायद इसीलिए ये फिल्म नहीं की क्योंकि मेरे पास विग नहीं। तो एनीवे बहुत अच्छा, जब भी नई फिल्म स्टार्ट होती है तो मैं बहुत खुश होता हूँ क्योंकि मेरे काम मिलने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। दूसरी बात, काफ़ी लोगों को काम मिलता है। एक फिल्म जब स्टार्ट होती है 50 से लेके 100 आदमी जो है खुश होते हैं क्योंकि उनका घर चलता है। तो ऑल द बेस्ट समीर जी एंड हुसैन साहब, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू। मित्र जी से कुछ पूछिए। आप सब लोग इतना बता चुके हैं तो मेरे बताने के लिए वैसे तो कुछ रहता नहीं है, लेकिन फिर भी किसी भी फिल्म के सक्सेसफुल होने में उसके टाइटल का भी बड़ा हाथ रहा है। और ये लास्ट वोट टाइटल ऐसा है जो लोगों को अट्रैक्ट करे, टची टाइटल, टची, इससे लोगों को एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि आखिर ये लास्ट वोट क्या है, क्यों है, किस लिए है। और मैं तो आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आपका वोट पहला हो या लास्ट हो, आप दीजिए उसी को जिससे हिंदुस्तान के लोग खुश हों, पाकिस्तान के न हों। यस, वेरी गुड, थैंक यू। काम हमारा पसंद आया, पसंद आया।
बच्चे अभी स्टार्ट किए ही लाइफ एंड इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से हम लोग एज असिस्टेंट कोरियोग्राफी वर्क किए हैं अभी राइट नाउ एज इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे हैं नितेश जी एंड समीर जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे मूवी में ऐसे करवा सो थैंक यू सो मच एवरीवन सर आप क्या कहना चाहेंगे तो लास्ट ट्रॉफी आप हाँ जी हाँ जी मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो काम ईमानदारी से होता है जो काम एहसास से होता है जो काम जज्बात से होता है वो काम बड़ा सक्सेस होता है और मुझे एक फीलिंग आ रही है बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है क्योंकि ये पिक्चर जो बनाने जा रही है जो टीम बनाने जा रही है बड़ी ईमानदार है बड़ी मोहब्बती टीम है समीर प्रोडक्शंस को मेरी बहुत सारी दुआएँ विशेज और मैं तो ये कहूँगा कि मैं उसके पहले एक वाक्य छोटा सुनाऊँगा कि रफ़ी साहब को लोग बहुत बड़े सिंगर के नाम से तो जानते हैं साथ साथ में यूँ समझिए कि इंसानियत उनकी जो थी वो आज तक मानी जाती है सबसे पहले लोग कहते हैं वो इंसान बहुत बड़े थे उसके बाद में सिंगर थे तो यही कहूँगा समीर साहब जो फिल्म बनाने जा रहे हैं ये इंसान बड़े प्यारे हैं बड़े एक तालियां बजाएं इनके लिए भाई ये इंसान बहुत प्यारे हैं और जब ये फिल्म बनाएंगे तो इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू रॉक लास्ट वोट ये जो मूवी है मतलब ये सिर्फ ऐसा हम सोचें कि ये पॉलिटिकल रिलेटेड मूवी ऐसा कुछ नहीं है पॉलिटिकल रिलेटेड तो है ही इसके साथ साथ एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है और एक पॉलिटिक्स के साथ साथ इसमें एक खूबसूरत सा रोमांटिक स्टोरी भी है इसकी जैसे आप देख रहे हैं एक दूसरा पोस्टर हमारा एक लड़का लड़की के साथ साथ और मैं स्टोरी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि मैं एक बना लूँ फिर आप लोग को देखूँ प्रोड्यूसर साहब आपका क्या कहना सर वही कहना है मेरा भी यहाँ तक पहुँचने के लिए जो इन्होंने कहा सर एक्चुअली मैंने जब इनको साइन किया इनको साइन करने के बाद एक्टर लोगों को जब साइन करना चाहे तो हर लोगों के मन में एक चीज़ रहता है कि बड़ा डायरेक्टर होना चाहिए डायरेक्टर कौन है डायरेक्टर कौन है तो लोग बोलते थे कि सर पहले क्यों क्या मूवी किया गया मैं उस पर विश्वास नहीं रखता कंटेंट अच्छा मैंने इनका दिमाग पढ़ा माइंड पढ़ा कि इनका थॉट क्या है किस लेवल की मूवी लेके जा सकते हैं तो मैंने एक रिस्क लिया और मुझे विश्वास है कि ये पूरी तरह से खड़े उतरेंगे अच्छा काम करेंगे और मैं जो आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ और इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है हमारी फैमिली का जिसमें हमारे बड़े भाई हैं सैयद अल्तमस हुसैन सैदी अलवर भी हैं पॉलिटिक रिलेटेड मूवी ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स है इसमें ऐसा मतलब एक प्यार हमने दिखाया इसमें एक लव रोमांटिक इसमें कपल है उसके साथ मतलब मैं स्टोरी के बारे में आपको पूछना चाहती लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता हूँ ये स्टोरी मैं रिवील नहीं करना चाहता हूँ एक्चुअली मूवी खत्म होने के बाद इसकी मूवी हम लास्ट मई में हम स्टार्ट करेंगे इसका शूट और हम इसको रिलीजिंग 2020 में कर रहे हैं वन लाइन स्टोरी देखिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आजकल वन लाइन स्टोरी बता दिया जाए तो फिल्म ऐसे ही बन जाती है फिर आप लोग देखने नहीं जाओगे ना फिर द लास्ट वोट मूवी है ये लास्ट में ये कि आप लोग एंड में मूवी को देखिए तभी पता चलेगा रिव्यू क्या है उसका अगर हम सब कुछ बता देंगे अभी तो फिर आप लोग मूवी देखने नहीं जाओगे फिर ये जो कंटेंट है हमारी मूवी का ये मैं गारंटी लेता हूँ 200% कि ये मूवी का कंटेंट अभी नहीं आया पूरे बॉलीवुड में इसीलिए सस्पेंस रखा गया बताया ना जाए क्या मोदी को फायदा होगा इसमें मोदी जी को राहुल जी को इनको फ़ायदा हो ऐसा कुछ मूवी नहीं और जो इलेक्शन है इलेक्शन के बाद हमारी मूवी रिलीज़ हो रही है तो इसमें फ़ायदा हो उनका इसमें कुछ नहीं उनका तो फ़ायदा ही हो रहा है उनको फ़ायदा हो ना हो बस हमारे पूरे टीम को फ़ायदा हो हम इसलिए मूवी बना रहे हैं थैंक यू कहिए मेरा खुशी तो रोज होता है सबसे पहले मेरा मीडिया को मेरा नमस्कार है मेरा सलाम है मेरे सैल्यूट है दोनों हाथों से क्योंकि वो मीडिया है जो मीडिया मेरा यहाँ है यहाँ दिल में है क्योंकि मीडिया के वजह से मैं आज बना हूँ गरीबों के एक्टर के लंच जाना इसलिए सबसे पहले तमाम मीडिया को किसी
का नाम ले लेंगे, बोलेंगे भाई सबका तुम नाम लेना पड़ेगा, तो किसी का आज मैं नाम नहीं लेंगे। तो सबको, सबसे पहले पूरी मीडिया को मेरा सलूट है, क्योंकि वही मीडिया है जो मीडिया शाहरुख खान को शाहरुख खान बनाया, अमिताभ को अमिताभ बनाया और मोदी जी को मोदी जी बनाया है। हाँ सर, नहीं नहीं अभी तो मैं गरीबों का एक्टर हूँ, गरीब तो नहीं हूँ, गरीबों का एक्टर हूँ। हाँ, 2018 में मैंने शूटिंग किया था, मेरे फिल्म का नाम है आई लव यू, लेकिन उस फिल्म के बारे में मैं कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन आज जो मैं आया हूँ यहाँ पर, मेरा दो ऐसे मेरे बड़े भाई है जिनका नाम है, एक का नाम है समीर भाई जो मेरे बड़े भाई है, और दूसरा भाई है मेरा, ये छोटा भाई है मेरा, बड़ा भाई नहीं है, नितेश तिवारी जी, इस फिल्म का डायरेक्टर है। मुझे आप ले रहे हो ना सर? पक्का पक्का ले रहे। पक्का ना? हाँ पक्का ले रहा भाई, बोल दिया मीडिया में, ले रहे ले रहे ले रहे, मतलब काम करने के लिए ले रहे भाई, और क्या लेंगे भाई मेरा। और दूसरी बात, मेरे साथ है मेरे परम गुरु हमारे प्रेम सागर साहब, क्योंकि प्रेम जी मेरे को फिल्म में वो ले रहे हैं, उनकी फिल्म का नाम है मचान। तो ऐसे गुरु जी मेरे बीच है, मेरी बहन है। सबसे पहले मैं एक ही बात बोल दूं, आप लोग सिर्फ और सिर्फ आज का जो इवेंट है उसको आप लोग दिखाइए, हमें दिखाइए, हम कोई बड़ा आदमी नहीं है, छोटा सा आदमी दिखाओगे तो भाई स्टार बन जाएंगे। और कुछ पूछना है साहब? लास्ट वोटिंग मैंने किया था, अभी तक वोट दिया नहीं मैंने, तो अभी मैं वोट दें, क्योंकि अभी मैं वोट देंगे मैं मोदी जी को देंगे। आई लव मोदी, मैं अगर कोई अगर दो बार आएंगे वो है मोदी जी आएंगे, उसके बिना कोई नहीं आ सकता। फिल्म के बारे में, द लास्ट वोट नाम से ही पॉलिटिकल फिल्म लग रही है, और मुझे आशा है चूंकि नितेश जी एक म्यूजिक फिल्म के आदमी है, और मुझे विश्वास है कि जब कोई म्यूजिक का आदमी फिल्म बनाएगा तो वो उसका पूरे तरन्नुम का, उसके पूरे सुर का, उसके रिदम का पूरा ध्यान रखेगा, एक बेहतरीन फिल्म बनेगी, मुझे पूरा विश्वास है। मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे पिक्चर का नाम है द वोट, इसी तरीके से हम लोग भी सही तरीके से अपने वोट देके इस मूवी को इंसाफ के साथ बनाएं और सभी अपना अपना किरदार निभाएं, तो मेरा होप है कि बहुत अच्छी पिक्चर बनेगी। और मेरे भाई समीर भाई काफ़ी सालों से इस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो हमेशा कहते थे कि करूँगा तो कुछ बड़ा करूँगा, और उन्होंने वाकई करके दिखा रहे हैं। अब तक तो सबकी तसल्ली और दुआओं के साथ उन्होंने बहुत अच्छा कुछ किया है। हम चाहेंगे आप लोगों का साथ, और सभी जैसे आज सबने अपने अपने हिस्से का प्यार और उनको आशीर्वाद दिया है, इसी तरीके से हमेशा देते रहें और इस पिक्चर को आगे भी बढ़ोतरी देते रहें, क्योंकि इनका ऐसा रोल रहेगा जो सबके दिलों में बस जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू सर, थैंक यू। मतलब ये मूवी में नोटिस जरूर होंगे, ये मैं इनको वादा देता हूँ। समीर भाई इतने प्यार, समीर भाई हाँ नेचर के, यस यस, समीर भाई सबको बांधे रखेंगे, ये हम लोगों को होप है। छोटा और बड़ा किरदार नहीं होता, जी जी जी, इंसान की एक लाइन के डायलॉग उसको हिट करा देते हैं। कैरेक्टर वो होता है जो उसमें रहे दिखे, हजारों की तादाद में आर्टिस्ट हैं पर जो मूवी में आते हैं और अपना परफॉर्मेंस करके छा जाते हैं वो आर्टिस्ट कहलाते हैं। सबसे बड़ी बात है, मेरे जो फिल्म है आई लव यू, उस फिल्म के अंदर जो काम किए हैं तोफिल अंसारी भाई, वो यहाँ पर आए हैं, मेरा को एक्टर तोफिल अंसारी भाई, और साथ साथ में आज जो पीआर जो संभाला है वो जय भीम भाई जो मेरे गुरुजी हैं, वो यहाँ पर वो खड़े हैं, जय भीम भाई। और मैं एक फिल्म कर रहा हूँ अपना, बहुत ही जल्द आपके सामने हो ये होगा, तो जय भीम भाई ये पूरा पीआर पूरा किया है, थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ी बात है जो मीडिया जो है ना, ये मीडिया ऐसे ही हमारे इस दिल के अंदर बना रहे भाई और बहनों, मीडिया रहेंगे तो दिल में तो हम कुछ बन पाएंगे भाई, मीडिया दिल में। हाँ बोलिए, पूछिए किशन जी, पूछिए। अरे रोजगार इतना मिल गया, और कितना रोजगार, मीडिया वाले इतना खा पी रहे हैं भाई, रोज का इतना काम मिल रहा है, और क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए, किसी और को मिला ना मिला, मीडिया को मिला है। हाँ भाई सबको मिला है, और मोदी जी क्या है मालूम है, यह हमारे दिल में है, प्रधानमंत्री भाई है, ऐसे प्रधानमंत्री है जो कभी जिंदगी में मिला है ना मिलेगा। हाँ जी, नहीं नहीं चोरी नहीं किया है, वो चोरी हो गया है बेसिकली, नहीं मोदी के अंदर नहीं हुआ, वो चोरी हो गया थोड़ी, मोदी जी चोरी करके बाद जला दिया उसको, तो नहीं 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 मोदी जी ने ऐसा कोई काम नहीं करते, नहीं नहीं मोदी जी बहुत ही अच्छे इंसान है, ये जो है ये हो जाता है, लेकिन एक बात है मोदी जी जो किया है देश के लिए, हमारे आर्मी के लिए, ये ना कोई प्रधानमंत्री किया है ना कोई कर पाएगा, इसलिए मैं मोदी जी को मैं सलूट करता हूँ। आई लव मोदी, आई लव इंडिया, आई लव मीडिया, आई लव नितेश तिवारी और मेरे समीर भाई।